मित्रों नमस्कार, किरण ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मित्रों, जो पिछला वीडियो हमने देखा था उसमें हमने भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं और जो प्रमुख जो अनुसूचियां थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से देखिए। सेकंड ग्रेड क्रैश कोर्स के साथ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपके भाग तीन में दे रखे हैं मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद जो है वो आपके 12 से 35 तक में ये आपके उल्लेखित हैं। और जो लिए गए हैं जिस देश से, वो आपके यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है। कई बार प्रश्न यहीं से उठा दिया जाता है कि कौन से भाग से लिए गए हैं, तो भाग तीन कहां से कहां तक अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो मित्रों 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। और किस देश से लिए हैं, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मौलिक अधिकार विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित करते हैं। मौलिक अधिकारों का क्या काम है, जो विधायिका और जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं उन्हें मर्यादित करने का कार्य कौन करता है, मौलिक अधिकारों द्वारा किया जाता है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1979 द्वारा एक मौलिक अधिकार जो आपका अनुच्छेद 30 के अंतर्गत था, संपत्ति के अधिकार, जो संपत्ति का आपका अधिकार था, उसे जो है वो डिलीट कर दिया गया, ठीक है, हटा दिया गया वहां से मौलिक अधिकारों से। और अनुच्छेद 300A के तहत, ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, कौन से अनुच्छेद के तहत, तो आपके 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया है। वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं, ठीक है, 6 आपके बचे हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को आप, अगर आपके मौलिक अधिकारों को हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय की शरण ले सकता है। भारत में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में वर्ष 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तथा वर्ष 1928 की नेहरू जो रिपोर्ट थी उसमें भी मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। तो मित्रों शुरू करते हैं मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12, ठीक है, राज्य को परिभाषित किया गया, जो अनुच्छेद 12 है उसमें आपके राज्य को परिभाषित किया गया है। जबकि जो अनुच्छेद 13 है उसमें संसद भाग 3 के खिलाफ किसी भी कानून का निर्माण नहीं करेगी। जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके खिलाफ जो है वो संसद कोई भी कानून इसके जो खिलाफ में है ऐसा कानून पारित नहीं करेगी, ठीक है। मित्रों मौलिक अधिकार, एक ट्रिक बता रहा हूं, हालांकि ट्रिक पर मैं विश्वास करता नहीं, याद करना पड़ता है उनको। तो ट्रिक ये है कैसे याद रखें मौलिक अधिकारों को, तो समस्त शोध संस्कृति के उपचार हेतु है, जो समस्त शोध हैं आपके जितने भी शोध हैं वो क्यों हैं, संस्कृति के उपचार हेतु हैं, ठीक है। और दूसरी ट्रिक आपको याद रखनी है 5-4-2-4-2-1, ठीक है, समस्त शोध संस्कृति उपचार, ठीक है, यहाँ के और हेतु है, साइलेंट है आपका, देखते हैं कैसे। सम से हो जाएगा समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का जो अधिकार दिया गया है वो आपके सम से हो जाएगा समानता का अधिकार। और 5 तो 14 से 14, 15, 16, 17 और 18, 5 आपके समानता के अधिकार हैं। दूसरे आपके आते स्वतंत्रता का अधिकार, सत से स्वतंत्रता हो जाएगा, और ये आपके कितने हैं, 4, तो 19, 20, 21, 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका क्या हो जाएगा, 23 और 24, क्यों, 2 ही है। इसके बाद आता है आपका द
तो से हो जाएगा आपका धर्म का अधिकार या अंतकरण और धर्म का अधिकार, ठीक है। वो आपके कितने हैं, चार हो गए, 25, 26, 27 और 28। इसके बाद आपके आता है संस्कृति, ठीक है। संस्कृति का जो अधिकार दे रखा है हमें, ठीक है, कितने हैं, 2, 29 और 30, ठीक। इसके बाद आता है आपका उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आपका 1 है 32 में, ठीक है। शुरू करते हैं मित्रों समानता का अधिकार, जो आपका 14 से 18 तक चलेगा, और इसकी एक ट्रिक है, कानून ने, जो कानून है ने समाज में मौका दिया है, कानून ने समाज में मौका दिया है छुआछूत और उपाधियों का अंत करें, ठीक है। कानून से हो जाएगा आपका विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14, ठीक है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, जो अधिकार है उसमें आपकी विधि के समक्ष समानता का अधिकार में, आपके कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और सभी को कानून की समान सुरक्षा प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 14 जो है देश में विधि के शासन की स्थापना करता है, कानून के शासन की स्थापना करता है, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा सामाजिक समानता, समाज से आ जाएगा आपका सामाजिक, ठीक है, समानता। जीवन के किसी भी क्षेत्र में भारतीय नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपके साथ अगर ये कोई करता है तो आप जो है वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं, ठीक है। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में भारतीय नागरिक के साथ में आपके धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 जो है आपके कहता है कि राज्य नियोक्ता के रूप में, यहाँ आ जाएगा आपका मौका, मौका से क्या होता है, अवसर, ठीक है, मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा आपको, ठीक है, अवसर की समानता, राज्य नियोक्ता के रूप में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, सभी को अवसर की उपलब्धता निर्धारित करेगा, यानी सभी के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है छुआछूत, छुआछूत यानी अस्पृश्यता, ठीक है। और अनुच्छेद 17 में दिया गया है आपके कि जो है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया आपका अस्पृश्यता, और राज्य अस्पृश्यता का अंत करता है, ठीक है, क्या करता है, राज्य अस्पृश्यता का अंत करता है, एवं यदि कोई इसे अपनाता है तो राज्य ऐसे व्यक्ति या समूह को दंडनीय घोषित करेगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए कि ये जाति का है, ये एससी है, ये ऐसा दलित है, तो अगर ऐसे इसका जो है वो आपके अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के। तो मित्रों आगे देखेंगे हम, छुआछूत हो गया हमारा, उपाधियों, उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का जो अंत है वो अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। कोई भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना अन्य देश से किसी भी प्रकार की कोई उपाधि जो है वो स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। उपाधियों का अंत किया गया है कि कोई किसी को दे दिया कि लीजेंट, ठीक है, या कोई उपाधि दे दी आपको, तो वो सारी उपाधियों का जो है वो अंत कर दिया गया है। सेना या अकादमिक, जो शिक्षा में के क्षेत्र में जो सम्मान दिए जाते हैं, ठीक है, के सिवाय राज्य अन्य किसी भी उपाधि का प्रावधान नहीं करेगा, और अपने नाम के आगे उनको लगाना भी बंद कर दिया गया है, ठीक है। ये जो सेना में जैसे मेजर, ठीक है, या फिर कोई भी उपाधि दी जाती है कर्नल वगैरह, तो वो जो है वो आपके केवल एक सम्मान है, उपाधियां नहीं है, ठीक है। तो उपाधियों का जो प्रावधान है उसको हटा दिया है, तो ये भी आपको। इसके बाद मित्रों स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका 19 से 22 तक, नागरिक स्वतंत्रताएं दे रखी हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, और यहाँ आपको याद रखनी एक ट्रिक दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, कमाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रेस में, जो प्रेस है आपकी, प्रेस, ठीक है, कौन सी, जो अखबार वगैरह में मीडिया जो है आपका, तो प्रेस में सभा करके, प्रेस क्या करती है, सभा को, जहां भी सभा होती है दौड़ते हुए माइक लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो प्रेस में सभा करके, ठीक है, प्रेस ने सभा करके
मित्रों ये ने है, आपने याद रखना है, प्रेस ने सभा करके संघ बनानी, प्रेस ने सभा करके क्या कर दिया, एक संघ बना दिया, और सभा करके संघ बनाने गया कौन, प्रेस ने सभा करके घर बनाने गया, घर बना कमाने लगा, ठीक है, जो प्रेस थी उसमें सभा करके संघ बनाने गया और फिर क्या हुआ, घर बना कमाने लगा, ठीक है, इसके बाद घर बन गया और मैं और अभी कमाने लगा हूं, ये आपकी ट्रिक है। सबसे पहले प्रेस यानी विचार अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता दे रखी है, छह तरह की स्वतंत्रता है मित्रों अनुच्छेद 19 में, ठीक है, तो विचार अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता यानी झंडारोहण, ठीक है, ए में दे रखा है। बी आपका क्या कहता है, शांतिपूर्ण सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता, सभा और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता दे रखी है। किसी भी प्रकार का संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ, ठीक है, फिर आता है कि देश के किसी भी भूभाग में आवागमन, ठीक है, गया, गया से आपके इधर उधर जाना का मतलब आवागमन, ठीक है, भ्रमण व संचरण आप कर सकते हैं देश के किसी भी भूभाग में, ठीक है, उड़ते उड़ते कश्मीर में चले जाइए, हाँ, फिर इसके बाद में घर बना, घर से मतलब आवास या निवास की स्वतंत्रता, जो आप कहीं भी देश के किसी भी भूभाग में आप आवास बना सकते हैं, निवास कर सकते हैं, ठीक है, फिर आपकी आता है संपत्ति का अधिकार, तो वो तो 19 एफ के तहत था, हटा दिया गया, ठीक है, और अनुच्छेद 31 में भी था, वहां से भी उसको हटा दिया और 301 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया है आपके। फिर आता है आपके कमाने लगा, कमाने मतलब व्यापार व्यवसाय व रोजगार की स्वतंत्रता, ठीक है, हम व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं और कोई भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मित्रों, ये जो स्वतंत्रताएं हैं उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अपराध की दोष सिद्धि में सुरक्षा अनुच्छेद 20 के तहत दी गई है, ठीक है, इसमें क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, अनुच्छेद 20 क्या कहता है आपका कि किसी भी एक अपराध के लिए आपको एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, एक बार ही आपको सजा मिलेगी, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, अपराधी को केवल तत्कालीन कानूनी उपबंध के तहत सजा मिलेगी, ठीक है, जिस समय वो अपराध कर रहा है, ठीक है, उस समय बाई देवे हम मान लेते हैं कि जैसे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करते करते आपने उसकी हत्या कर दी, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, और उस समय कानून में नियम है कि हत्या करना जिसकी सजा आपको 7 वर्ष कारावास है, ठीक है, और बाद में जो है वो जब ये घटना हुई तब तो कानून ये था, लेकिन जब आपका ट्रायल चल रहा था, ट्रायल के बाद में जब आपको सजा मिलती है उस समय जो है वो सजा बढ़ाकर 7 वर्ष हो जाए 14 वर्ष कर दी जाती है, ठीक है, या फांसी हो जाती है, सजा फांसी कर दी जाती है, दोस्तों आपको फांसी की सजा नहीं मिलेगी, उस समय जो तत्कालीन कानूनी उपबंध थी उसके तहत ही सजा मिलेगी। दूसरा आपके स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोई भी कानून आपको स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। तीसरी आपकी आती है प्राण और देहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी फांसी की सजा जो मिल रही है कोई भी कानून है उसके आधार पर अगर उसको सजा मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई गुनाह किया है और कानून की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके तहत आपको सजा मिलती है या कोई जीवन फांसी वगैरह होती है या जीवन उसका चीना जाता है तो मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा आपके इस अधिकार को जो है वो निलंबित नहीं किया जा सकता, आपके जीवन के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त जीवन शब्द जो है उसको विस्तारित करते हुए लिखा कि जानवरों के जीवन को भी इसमें सम्मिलित कर लिया है, यानी जानवरों के जीवन को भी आप जो है वो वंचित नहीं कर सकते उनके जीवन के अधिकार को।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क के तहत 86वां जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में मित्रों, उसके तहत अनुच्छेद 21 क या ए द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा कौन? राज्य। दोस्तों मित्रों, मैं कब से ही राज्य राज्य शब्द का जो इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां राज्य शब्द से मतलब आपका ये है कि जो भी कानून व्यवस्था, जो भी कानून स्थापित हो रहे हैं, जो भी मतलब शासन व्यवस्था है, इसमें राज्य से मतलब स्टेट से ही नहीं है, अपना जो स्टेट राजस्थान है उससे नहीं, केंद्र भी इसमें सम्मिलित है। जहां जहां से जो कानून लागू किए जा रहे हैं, जहां जहां से ये चलाया जा रहा है, वो सभी इसमें शामिल है। बंदीकरण में सुरक्षा अनुच्छेद 22 आपका क्या कहता है? बंदीकरण अवस्था में सुरक्षा अनुच्छेद 22 कहता है, नागरिक को हिरासत में लेने से पूर्व उसको कारण बताएं। जैसे कोई व्यक्ति है उसको हिरासत में लिया जा रहा है, तो उससे सबसे पहले उससे बताया जाएगा कारण कि उसे क्यों हिरासत में लिया जा रहा है, क्या कारण है। दूसरा, हिरासत में लिए गए नागरिक को 24 घंटों में 24 आवर्स में आवागमन का जो समय है, आने जाने का समय को छोड़ करके, उसे जो निश्चित दंडाधिकारी है, न्यायाधीश जो है, उसके समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, तो इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता से, यहाँ अर्थ है आपका वकील से, जिसको अपना पसंद का जो वकील है वो वहां चुन सकता है और उससे सलाह लेने का उसको अधिकार है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मर्जी के हम अपनी मर्जी से उसको बोल दिया जाए कि नहीं भाई तू यही वकील करेगा, नहीं, उसकी जो इच्छा होगी वो वकील उसे चुनेगा। शत्रु देश के नागरिक जो हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान, ठीक है, शत्रु जो कोई भी हमारा शत्रु देश है, ठीक है, और निवारक निरोध जैसे पोटा, टाडा, रसुका, मिशा, ठीक है, यानी जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उनसे संबंधित जितने भी ये निवारक निरोध कानून है उनके तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को ये जो अनुच्छेद 22 की ये जो स्वतंत्रताएं दी गई है मित्रों, ये उनके लिए लागू नहीं है। ठीक है, कल को आप आतंकवादी संगठन के साथ मिल जाएं, ठीक है, और कहें कि हमें तो ये स्वतंत्रता चाहिए, तो आपको ये स्वतंत्रताएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मित्रों, हमने अनुच्छेद 22 तक पढ़ लिया है, आगे अगले वीडियो नोट में और देखेंगे। ठीक है, और मित्रों पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक मत कीजिए, और चैनल को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज मित्रों लाइक क्यों नहीं आ रहे हैं ये भी मुझे बताइए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लग रहा है, और ये लाइक नहीं आने का कारण क्या है, क्या कमियां हैं, मैं उन कमियों को दूर करूंगा। अगर आप मुझे कमियां बताएंगे नहीं तो मुझे पता चलेगा नहीं। ठीक है, और किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।